सर एक दरख्वास्त आई है हैदराबाद फैक्ट्री से। कैसी दरख्वास्त? सर तमीजुद्दीन साहब को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, 50,000 रुपये सर। हाँ तो भिजवा दो आज ही चेक, देर मत करना, पता नहीं कैसी परेशानी हो। फैक्ट्री में उनकी मुखालफत बढ़ती जा रही है, अगर उनको इतनी फेवर्स मिलेंगी तो बाकी वर्कर्स बददिल होंगे, आप खुद सोचें सर। कामरान, मैंने आज तक अपने किसी वर्कर की रिक्वेस्ट इग्नोर नहीं की, तमीजुद्दीन साहब बुरे आदमी नहीं है, पता नहीं कैसी मजबूरी में हो, आज चेक भिजवा दो। बेहतर सर, और मैं जानता था आप यही कहेंगे, मैं भी भेज देता हूँ। थैंक यू। आप कहाँ गई हुई थी इतनी देर से? बाजार गई हुई थी शॉपिंग करने। तुम आज जल्दी कैसे आ गए? मैंने आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ कर लेंगे, जरा बैठो, ये शॉपिंग देखो, ये कुछ चीजें मैंने खरीदी हैं नादिया के लिए, शादी वाले दिन उसको तोहफा दूंगी, मेरी तरफ से भी और तुम्हारी तरफ से भी। सी मेरे मना करने के बावजूद आप ये सब कर रही हैं? आपने आंटी को इस रिश्ते से मना नहीं किया? नहीं, मैं तुम्हारी बेवकूफियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। नादिया जैसी अच्छी लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी से निकल गई ना, तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे। मुझे पछताना मंजूर है, लेकिन नादिया के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, मैं उसे कभी शादी नहीं करूंगा, और यही मेरा फैसला है।